जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लुए हैंगजी डेनियल के साथ स्पिरिचुअल रैबिट को पकड़ने के लिए आ जाता है और उस जगह पर जू मैंसन की एल्डर लेडी जू फेई भी आ गई थी, जो कि अपने सीनियर ब्रदर से कुछ बात कर रही थी। तभी डेनियल की एक गलती की वजह से उन दोनों को सामने आना पड़ा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में लोंग की सिस्टर लुए हैंगजी से कहती है, इस रैबिट को तुम मुझे दे दो, इसके बदले तुम्हें जो भी पैसे चाहिए होगा वो मेरे ब्रदर दे देंगे। इधर उसकी बातों को सुनने के बाद लुए हैंगजी सोचता है अगर उसने इस रैबिट को बेचा और उसके पैसे खुद रख लिए तो उसके मास्टर काफी गुस्से हो जाएंगे और वो उसके पैसे भी छीन लेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इस रैबिट को इन्हें फ्री में ही दे दूं। इस थॉट के बाद वो उनसे भी यही कहता है। उसने उनसे कहा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे फ्री में रख सकते हैं, मुझे इससे कोई भी एतराज नहीं होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद लोंग की सिस्टर काफी खुश हो गई थी। इधर लोंग अपने मन में कहता है, इस स्पिरिचुअल रैबिट की कीमत 50 कौन होंगे, लेकिन फिर भी ये लड़का हमें फ्री में क्यों दे रहा है। दूसरी तरफ जू फेई भी यही सोचती है। इसके बाद वो अपने मैड लू से कहती है, इसे 50 कॉइंस दे दो, लेकिन इस चीज के लिए लुए हैंगजी एक बार फिर से इनकार कर देता है। अब इस बात को देखते हुए कि लुए हैंगजी पैसे लेने से इनकार कर रहा है, वो इसे नहीं देते। फिर अगले सीन में लुए हैंगजी अपने घर में था, लेकिन तभी जू मैंसन से याओ सैन नाम का एक व्यक्ति आता है, जो की लुए हैंगजी को लेने के लिए आया था और इसके बदले में उसके मास्टर को ब्लडी एलेक्सर देते हैं और कहता है, आज से लुए हैंगजी जू मैंसन में रहेगा। इस बात को सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए और अगले सीन में वो सभी जू मैंसन में आ गए थे। लुए हैंगजी अपने मन में कहता है, आखिर उन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, इसके साथ ही उन्होंने इतनी बड़ी प्राइस क्यों दिया। ये सब सोचते हुए वो याओ सैन को फॉलो कर रहा था। इधर याओ सैन अपने मन में कहता है, अगर हमारी एल्डर लेडी ने इसे बुलाया तो जरूर इस लड़के के अंदर कुछ हिडन पावर होगी, हमारी लेडी कोई भी काम बिना लॉजिक की नहीं करती। ये सब सोचते हुए एक जगह रुक जाता है और फिर मैड लूस से कहता है, तुम्हें सबसे पहले हमारे रूल्स के बारे में इसे बता देना चाहिए ताकि इससे कोई भी गलती ना हो, और ये लड़का यहाँ आ चुका है, इस चीज को इन्फॉर्म करने के लिए मैं एल्डर लेडी के पास जा रहा हूँ, इसके साथ ये लड़का जहाँ रहेगा तुम इस चीज का भी अरेंज कर दो। उसके जाते लुए हैंगजी मैड लूस से सवाल करता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, सडनली एल्डर लेडी ने मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया। उसके सवाल को सुनने के बाद वो कहती है, एक्चुअली हमारी एल्डर लेडी को आपसे कुछ काम है, इसीलिए यहाँ पर आपको बुलाया गया है ताकि वो आपसे डिस्कस कर सके। और कुछ ही समय के बाद मिस फ्लुकिंग भी आ गई थी, जो कि लू हैंगजी से कहती है, एक्चुअली मैं काफी समय से एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर आपने उस समय रैबिट हमें क्यों दे दिया फ्री में, जबकि उस रैबिट की कीमत थी 50 कॉइन थे, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि सच सच आप मुझे इसके बारे में जानकारी दें। ये कहने के साथ ही वो लू हैंगजी को गौर से देखने लगती है। इधर हम लू हैंगजी को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे असली रीजन बता देना चाहिए। इस थॉट के बाद लुए हैंगजी उससे बताता है, मैं उस समय काफी डर गया था, इसके साथ ही इस चीज के बारे में अगर मेरे मास्टर को पता चलता तो वो काफी गुस्सा होते। उसकी बात सुनने के बाद मिस फुकिंग के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो उसे बताते है कि मेरे सीनियर ब्रदर आप में इंटरेस्टेड है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक जीनियस पर्सन है जो कि फ्यूचर में हमारी काफी सहायता कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ समय बात करने के बाद मिस फुकिंग उससे कहती है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें किसी जगह पर ले जाना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे की बात वहीं पर करेंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है और उसे फॉलो करते हुए लुए हैंगजी कमरे में आ चुका था। इसके साथ ही वो देखता है कि मिस बुकिंग एक जगह पे आकर रुक जाती है। उसके बाद वो एक जगह अपने हैंड को प्रेस करती है, जिस पर से वहाँ का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। इसके साथ ही वहाँ का दरवाजा भी ओपन हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एंटर कर जाते हैं। उसके बाद मिस बुकिंग उससे बताती है कि मेरे ब्रदर ने बताया कि आप जिनून सेक्ट के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, इसलिए आप एंटर एग्जाम के लिए आप अपने पास कॉइंस को जमा कर रहे हैं और अभी तक आपके पास कुछ कॉइंस हो चुके हैं। उसकी ये बात सुनने के साथ ही लुए हैंगजी वहीं पर रुक चुका था। इसके साथ ही हम मिस बुकिंग को देखते हैं, जो कि उसके अपने पीछे ना आता देख वो पीछे पलटती है। वो देखती है लुए हैंगजी किसी चीज के बारे में सोच रहा है, इसीलिए मिस बुकिंग उसे सवाल करते है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।